होम शेफ कार्तिक में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज की रेसिपी है मिंट चटनी, और या आप धनिया पुदीने की चटनी भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चटनी को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मिंट लीव, पुदीने के पत्ते 50 ग्राम और ग्रीन कोरिएंडर 100 ग्राम, जिंजर गार्लिक करीबन 15 ग्राम, कर्ड दही 200 ग्राम, ग्रीन चिली हरी मिर्च 2 से 3, चाट मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, ब्लैक सॉल्ट या काला नमक भी कह सकते हैं 1/2 छोटा चम्मच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मिक्सर ग्राइंडर लेना होगा, और जो धनिया पुदीना लेके रखा था उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, और उसको धो के वॉश करके स्ट्रेनर में उसका सारा पानी निकाल सकते हैं, रख दें। उसके बाद उसमें ग्रीन चिली हरी मिर्च 2 से 3, जिंजर गार्लिक छील के इसमें डाल दें, और थोड़ा इसमें पानी डालना होगा जो अच्छी तरह से पेस्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो मिक्सर हमारा पेस्ट बनके रेडी है, धनिया पुदीने का पेस्ट बनके रेडी है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना होगा। उसके बाद इसमें कुछ मसाले और दही के साथ इसको मिक्स करना होगा। तो अब इसमें दही मैं ऐड कर दूंगा। दही को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना होगा, और कितना प्यारा कलर आया है इस चटनी का। तो कुछ मसाले ऐड करने होंगे, जैसे ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, नमक जो आप रेगुलर घरों में यूज़ करते हैं, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, और लास्ट में चाट मसाला। और इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना होगा। एक बार चेक भी कर लें इसमें मसालों में नमक मिर्च कैसे हैं। तो इसी बेस पे सारी रेसिपीज़ आने वाली हैं। चलिए फिर मिलते हैं और इजी और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।